आज की दिवस की एक विशेष महत्व है। आज हम हमारे राष्ट्र के शिक्षक रहे, देश के पहला उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की 133वां जन्मदिन के अवसर पे सालों से हम आज की दिवस को, उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। और आज के दिवस पे भारत सरकार की ओर से एक परंपरा रही है, माननीय राष्ट्रपति जी की कर कमल पे देश की नई पीढ़ी को बनाने वाले आदरणीय शिक्षक समाज का सम्मान किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षक पुरस्कार दिवस को भी मनाया जाता है। आज हम सभी का सौभाग्य है आदरणीय राष्ट्रपति जी की गरिमामय उपस्थिति में देश के ऐसे 28 प्रांतों की 44 शिक्षक भाई बहनों को, जो राज्य की विद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा दान करते हैं, ऐसे महानुभवों को आज सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन का पहले सालगिरह के अवसर पे यह पहला शिक्षक दिवस है। निश्चित रूप में आज परम आदरणीय राष्ट्रपति जी की इस उपस्थिति हम सभी को प्रेरणा देगी। और मैं पुनः आज की जो 44 शिक्षक भाई बहनों को देश की ओर से सम्मानित किया जाएगा, उन्हीं को पुनः शुभेच्छा देते हुए मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत करता हूं। नमस्कार। पग पग आगे बढ़ने में ऐसे बहुमूल्य शब्द न केवल प्रेरक होते हैं बल्कि पल पल संबल भी बढ़ाते हैं। ऐसे स्वागत उद्बोधन के लिए धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री जी। आइए अब प्रत्येक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की प्रेरणा एवं उपलब्धियों पर आधारित चलचित्रों को देखें। राजधानी दिल्ली के द्वारका में बाल भारती पब्लिक स्कूल, और ये है यहाँ की प्रिंसिपल श्रीमती सुरुचि गांधी। पढ़ाई के तरीकों को मजेदार बनाने के लिए इन्होंने नेचर वॉक, हेरिटेज वॉक जैसी एक्टिविटीज स्कूल में लागू कर रखी हैं। अटल टिंकरिंग लैब इनिशिएटिव के तहत भी इनके प्रोजेक्ट देश भर में जीत कर आए हैं। स्पोर्ट्स से साइंस तक हर क्षेत्र में बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं। श्रीमती सुरुचि गांधी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। अब समय है सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा शिक्षकों के योगदान के लिए उनका अभिनंदन एवं सम्मान करने का। दिल्ली से श्रीमती सुरुचि गांधी, प्रधानाचार्य बाल भारती पब्लिक स्कूल, सेक्टर 12, द्वारका। मैं सभी पुरस्कृत शिक्षकों को बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।